Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. अंतिम चरण के चुनाव से पूर्व आज चंदौली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री महेंद्रनाथ पांडे के समर्थन में विधानसभा अजहरा में निवर्तमान मंत्री सुनील भराले ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सुनील भराले ने कहा कि पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना लागू कर देश की महिलाओं को स्वावलंबी और लखपति बनाने का निर्णय लिया है। इसका लाभ प्रत्येक महिला को मिले, इसके लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना बेहद जरूरी है। देखिए क्या कहा निवर्तमान मंत्री सुनील भराले ने। सारी बहनों को इस बात की जानकारी है, लखपति दीदी योजना हमने शुरू करी है, तो हमारी जितनी बहनें हैं अपने व्हाट्सएप पे उस लखपति दीदी के उल्लेख करेंगे। और वो लखपति दीदी क्या है, आप फार्म भरवाना शुरू करवा दीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा करी है, सारे मंत्रियों से घोषणा पत्र में कहा है कि हर बहन को, हर महिला को जो हमारे गरीब परिवार से, निर्धन से आवश्यकता है जिनको, तो उनको हम क्या देंगे, 8,500 रूपये महीना, यानी 1,00,000 रूपये, तो वो हमारी लखपति दीदी हो जाएगी एक साल के अंदर। तो इसको लेकर के हमारी इस योजना के माध्यम से इसका आप खूब प्रचार करिए कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम बहनों को लखपति बनाएंगे और लखपति दीदी योजना का सबको लाभ दिलवाएंगे। क्या है पूरे भारत के अंदर कि अगर किसी बहन युवती को, पढ़ी लिखी को, जिसको रोजगार करना है, किसी युवा को रोजगार करना है, अपने साधन करने हैं, यानी कि कोई उद्योग लगाने हैं, कोई क्रिएशन लगाना है, कोई चक्की लगाना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई डेयरी मनी खोलनी है, जिसमें हम 20 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बिगर गारंटी के वो लोन मिलेगा और हम उससे अपना उद्योग लगा करके हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना शुरू करी है। और वो मंत्रालय भी मुझे लगता है कि अब की बार एनडीए सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्रनाथ पांडे जी को तीसरी बार भारी मतों से जीतने के बाद उनको हम उस योजना का लाभ दिलवाने का काम करेंगे, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने बैठक के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, जिस प्रकार से भी आपका संपर्क होगा और विशेष मतदाता या जनसंपर्क के माध्यम से हम इन योजना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।